नवी मुंबई के खारघर निफ्ट में 286 बच्चों का ग्रेजुएशन 2022। इस मौके पर मुख्य अतिथि यूपी सिंह आईएएस सेक्रेटरी ऑफ टेक्सटाइल के हाथों संपन्न हुआ। इस वर्ष कुल 286 बच्चों ने ग्रेजुएशन किया। पिछले दो सालों में कोरोना की वजह से यह प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस बार बच्चों ने कुछ अलग ही उत्साह दिखा दिया। यहाँ पर बच्चों द्वारा बनाए गए फैशन की दुनिया का एक अलग ही रूप देखने को मिला और इस तरह के इनोवेटिव काम करने पर ही भारत का नाम दुनिया में उज्जवल होगा। यहाँ पर जो फैशन के कपड़े बनाए गए थे वो कुछ बैम्बू ट्री तो कुछ चाय की पत्ती और कुछ गेंदे के फूल के कलर किया हुआ था। अनोखा प्रयोग देखने को मिला। इस कार्यक्रम में एक्ट्रेस गार्गी पटेल, फैशन आइकन मेहर क्रिस्टिनो, आईएएस कमिश्नर टेक्सटाइल रूप राशि, मनु शर्मा आदि लोग मौजूद थे। के देखा बच्चों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में काफ़ी डेप्थ में काम किया है और आई थिंक बहुत अच्छा बैच है निफ्ट का जो पास आउट होएगा। आई थिंक फैकल्टी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग देम। पिछले दो साल बहुत डिफ़िकल्ट रहे हैं बच्चों के लिए, ऑफलाइन क्लासेस नहीं थे तो ऑनलाइन क्लासेस किया उन्होंने। सो उसके बाद आई एम श्योर फैकल्टी ने जो इनपुट्स दिए और ऑनलाइन क्लासेस किए उसके बाद जो आउटपुट आया है वो बहुत अच्छा है। सो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट बच्चे जो इस बैच से निकलेंगे विल डू वेरी वेरी वेल इन द इंडस्ट्री। ऑल द बेस्ट टू देम। हर सब बच्चे ऑनलाइन स्कूलिंग से गुजरे हैं, है ना, तो इस ऑनलाइन स्कूलिंग के बावजूद इन बच्चों ने जो प्रोड्यूस किया है, जो क्षमता दिखाई है, वो अद्भुत है। बस उसकी कोई तुलना नहीं है। एंड ये पूरे विश्व को दिखा रहा है कि इंडिया कितना केपेबल है, आज इंडिया में कितना टैलेंट है और इंडिया क्या प्रोड्यूस कर सकती है। एंड वी हैव द बिगेस्ट पूल ऑफ यूथ टैलेंट इन द वर्ल्ड टुडे। सो उनको बस धैर्य रखना है। जैसे कि मनु जी थे, उन्होंने अभी स्टूडेंट्स को एड्रेस किया। मनु जी हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिलायंस रिटेल, है ना, तो ही हैड गिवन अ वेरी गुड मैसेज टू देम के जस्ट आप लोग में क्षमता है, आपको धैर्य रखना है ना, और आपको एक यू हैव टू हैव सम एम टूवर्ड्स विच यू आर गोइंग एंड दैट्स अबाउट इट। It's wonderful. You have a huge opportunity base, a huge pool. The whole world is looking on to us. हमारी तरफ देख रहा है, पूरा world, विश्व हमारी तरफ देख रहा है, इसलिए हमें इसका एडवांटेज लेना है। और ये जो वक्त से जिस वक्त से इंडिया गुजर रहा है वो आपको इट्स जस्ट phenomenal. That's all I can say. Yes. And one thing I would like to tell them is that yes, you all are graduates. But डोंट थिंक इज द एंड ऑफ योर लर्निंग। सीखने की कोई सीमा नहीं होती, हर दिन एक नया दिन है और हमें हमारे सब फैकल्टीज ओपन रखनी है कि हम कितना अब्जॉर्ब कर पाए, हम कितना आगे बढ़ पाए, है ना, इसको लिमिट मत करिए, बस आगे बढ़ते जाइए। मुख्य अतिथि यूपी सिंह ने बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए शुभेच्छा दी। बिल्कुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा जो निफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया का बेस्ट फैशन और डिज़ाइन के का इंस्टीट्यूट है। इनफैक्ट वर्ल्ड में अगर किसी की रैंकिंग होती है तो जनरली हमारा इंस्टीट्यूट निफ्ट जो है वो वर्ल्ड में जनरली टॉप 10 के अंदर आता है। और आज जो यहाँ पर हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है। अगर देखा जाए तो निफ्ट के कैलेंडर में जो इवेंट्स होते हैं उसमें दो इवेंट खास होते हैं। एक होता है कन्वोकेशन का इवेंट, दीक्षांत समारोह, जहां बच्चे डिग्री लेते हैं, और आज का जो ये ग्रेजुएशन शो है। जैसा कि आपको पता ही है कि निफ्ट में इस साल करीब 286 बच्चे पास आउट कर रहे हैं, एक्चुअली जो यहां के अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने अपने जो भी काम किया, क्योंकि 8 सेमेस्टर का जो की पढ़ाई होती है उसमें लास्ट सेमेस्टर जो है वो प्रोजेक्ट को डेडिकेटेड होता है। प्रायः अधिकांश स्टूडेंट किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी न किसी कंपनी के साथ काम करते हैं, कुछ बच्चे खुद भी काम करते हैं, तो इन्होंने जो पिछले एक सेमेस्टर का की जो मेहनत की और उसके बेसिस पे जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ उसका आज ये डिस्प्ले है, तो ये काफ़ी अच्छा है। बच्चों को भी इनकरेजमेंट मिलता है, साथ में जो हमारी इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इंडस्ट्री के साथ ही इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, बट दूसरे भी जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी काफ़ी आए हुए हैं। ये बच्चों को देखेंगे कि हाँ, ये नया
क्या नया क्या हो सकता है, चाहे वो नए डिज़ाइन की बात हो, समर कलेक्शन हो, विंटर कलेक्शन हो। आजकल एक सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, तो सस्टेनेबिलिटी कैसे हो, आजकल कई सारे डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिले जिसका बेसिकली जो अनुभव हुआ पैंडेमिक्स के टाइम में, उसके बेस करके भी इन्होंने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हैं, तो काफ़ी अच्छा शो है। ये तो ऐसा नहीं है कि लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, आपने जो यहाँ सीखा, एक तो ये फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है, अभी वो अपने रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस जो हैं वो अलग होते हैं, तो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, और हमेशा लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, नई नई चीज़ सीखते रहें, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए फाइबर आ रहे हैं, नया नया फैशन आ रहा है, आजकल तो ट्रेंड फोरकास्टिंग भी होती है कि 2 साल बाद 4 साल बाद क्या होने वाला है, तो अपने को अप टू डेट रखें और अच्छा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, FS न्यूज़, खारगर।